उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा मुखिया अखिलेश यादव आज दोपहर को कलिया पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने दरगाह साबिर पाक में जियारत की और देश में अमन चैन की दुआ मांगी। इससे पहले अखिलेश यादव ने हरिद्वार महाकुंभ में गंगा के स्नान भी किया। इस मौके पर दरगाह साबिर पाक के नायब सज्जादा नशीन शाह अली एजाज साबरी ने उनकी दस्तार बंदी कर दुआ कराई। रविवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा के मुखिया अखिलेश यादव कलिया पहुंचे और दरगाह साबिर पाक में चादर पोशी कर अकीदत के फूल पेश किए। इस दौरान शाहजहांपुर जिलाध्यक्ष तनवीर खां, युवजन सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष मौसम अली, हाजी खालिद, यावर मियां, असद साबरी, खालिद मियां, शफीक साबरी, गुरशाद सिद्दीकी, दरगाह प्रबंधक मोहम्मद हारून, खादिम समद साबरी सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। की सर जमीन पर हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय श्री अखिलेश यादव दरगाह साबिर पाक में आए। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि उन्होंने साबिर पाक के यहाँ आकर कदमबोशी की है और साबिर पाक के यहाँ फूलपोशी कर देश में अमन चैन की दुआ मांगी है। कोरोना के खिलाफ उन्होंने दुआ मांगी है कि कोरोना जल्द से जल्द खत्म हो और अध्यक्ष जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम अगली बार सीएम बनकर बहुत अच्छी तरह से सरकार साबिर पाक में हाजिरी के लिए आएंगे और अपने सभी कार्यकर्ताओं के घर पर जाएंगे और उनको पूरी तरह से अपना वक्त देंगे। आज वो इसलिए हमारे घर नहीं जा पाए कि उनकी फ्लाइट का टाइम हो गया है, लेकिन उन्होंने परसों उनसे हमारे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय तनवीर खान साहब शाहजहांपुर से जो है उनकी बात हुई थी। साबिर पाक की करामात के बारे में उन्होंने उनको बताया था तो उन्होंने नेट पर सर्च किया और उसी रात को पढ़ा और उनकी अकीदत जागी। इसलिए पहले वो पवित्र कुंभ हरिद्वार गए, कुंभ में स्नान किया और उसके बाद उत्तराखंड का पांच बदात धाम पीरान के लिए शरीफ दरगाह साबिर पाक पर आकर उन्होंने अकीदत के फूल पेश किए और मुल्क में अमन चैन की दुआ मांगी। और सरकार साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ मेरी हाजिरी होती है, मेरी कोई औकात कोई हैसियत नहीं है, उनका हुक्म होता है तो मैं यहाँ आ जाता हूँ। और यहाँ की हमारे मखदूम साबिर कलीरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में